स्वागत है तुसे दा मेरी डोगरी चैनल पर। ते मैं ललिता मन्हास अज मैं तुसे कन्नै शेयर करन लगी हां इमली दी खट्टी मिठी चटनी, जिहड़ी खाने च बड़ी गै स्वाद हुंदी है। कन्नै हर तरह दी चाट कन्नै इहदा इस्तेमाल कीता जांदा है। इहदे बगैर चाट ते बनी गै नहीं सकदा, चाहे वह गोलगप्पे होन, आलू टिक्की होवै, आलू चाट होवै, जां फिर दही भल्ले होन, इंदे सारे च इहदा इस्तेमाल हुंदा है। इहदे बगैर ते इहदा स्वाद है गै नहीं। तो चलो मिलिए बनाने इमली की खट्टी मिठी चटनी। इमली की चटनी बनाने तीन सारे को पहले असें इमली की सेड़िए रखी लेना अद्धा पौना घंटा। इमली गली जा तो फिर वो बाद असें इसी मसलीए तो गुद्दे की बखरा कर लेना। जे तुसें जल्दी होवे तो गर्म पानी भी तो सेड़ी सकते हो, गर्म पानी बड़ी जल्दी इमली गली जाती है, वो बाद गुद्दा बखरा कर सकते हो। जा फिर इसी मिक्सी भी तुम थोड़ा जहा चलाइए तो यदा गुद्दा चंगी तरह पी सकते हो, मतलब सॉफ्ट बनाई सकते हो, स्मूथ करी सकते हो, उसके बाद इसी छानी सकते हो। पर मिक्सी करने दे पहले तुसेंगी ध्यान ये देने की जरूरत है कि ये जिन्ने भी बीं वो कढ़ी लेने, बीं नहीं जाना चाहिए मिक्सी दे विच। बीं चली गया तो एक तो मिक्सी खराब होने का डर रहता, जां फिर जे बीं कन्ने गै पीसी जा तो साड़ी चटनी जिहड़ी है उहदे च कसैलापन आई जाना। हुण मैं इहदे च गुद्दा पाई लिया है, थोड़ा जिहा चलाना, बहुत ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। तो जिहड़ा इमली का पानी हा वह भी मैं ये पल्प च पा लिया ताकि आसानी कन्नै ये मिक्सी के जार चों निकली जा। हुण असीं इसी छानी लेना, जिन्ने भी रेशे वगैरह ने जां कई बार इमली के सिक्कड़ होंदे ने वह सारे बाहर निकली आन, वह नहीं सानूं चाहिए, चटनी साड़ी का स्वाद खराब हो जाना। नहीं तां इसी असीं चंगी तरह छानी लेना तो जिहड़े भी रेशे वगैरह ने वह कढ़ी लैने। इं कड़छी चलाते ही करके तो जल्दी आसानी कन्नै जेहड़े इमली का पानी है वह निकली जाना, छनोई जाना। वो बाद जो गाढ़ा जहा गुद्दा हो तो थोड़ा जहा पानी पाई पाइए तो छानी सकते हो, क्योंकि पानी थोड़ा जहा सू वैसे भी चाहिए इमली के गुद्दे। ये बड़ी आसानी कन्नै बनी जाता। मसाले भी जेहड़े असें इहदे च पाने हैं वह बिल्कुल घर सारे दे घर होंदे है मसाले, कुछ भी बाहरों आने की जरूरत नहीं पौंदी, तो बनी भी बहुत झटपट जाती है ये चटनी। हुण देखो इत्थे काफ़ी छनोई गई है तो हुण मैं इहदे च पानी पाई है थोड़ा जहा, और इहदे च जिहड़ा भी गुद्दा है वह कढ़ी लैना है। तो मैं मिक्सी दे जार की धोई है तो जिहड़ी भी उंगली उहदे कन्नै चमकी दी ही वह लुआ ली है, तो हुण इहदे च पानी पाई है तो इसी असें छानी लैना। उसके बाद असें लाना है इसी तड़का। ये देखो इमली साड़ी बिल्कुल सैपरेट हो गई है तो जिहड़े रेशे रूशे है वह उपर निकली गए, उन्होंने इसी लाई लेने तड़का। इतने मैं 50 ग्राम इमली ले दी है तो पानी तुस अंदाजे करना थोड़ा जहा इस पाई सकते हो। तड़का लाने तीन मैं ले लिया 1 टेबल स्पून तेल। तेल ये बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है। वो बाद मैं इतने पाया 1/2 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा। जीरा तड़की जा तो इतने असें पानी हींग, ये भी मैं 1/2 टीस्पून पाई है, हींग थोड़ी ज़्यादा पाई है, यदा स्वाद जोड़ा चटनी च बड़ा शैल आता। वो बाद असें पाई ओड़ना इमली वाला पानी, पर ध्यान करिए पाना, पहले थोड़ा जहा पाइए, पिछा हट जाना, तेल च सीधा पानी पाओ तो भाप जी उपर आती है, वो सड़ने का डर होता है, तो थोड़ा जहा पाइए पिछा हो जाओ। वो बाद जल्द थोड़ा जहा ठंडा हो जा तो फिर बाकी जिन्ना भी इमली का पानी है वह पाई लो। थोड़ा जहा गर्म हो जा तो असें पाई लेना ये गुड़ तो खंड। इतने मैं 50 ग्राम गुड़ लै दी तो 50 ग्राम गै मैं खंड पा दी। तुस चाहो तो पूरी खंड जां पूरा गुड़ भी पाई सकते हो, पर मेरे अंगर जियां मैं अद्धा गुड़ तो अद्धी खंड पाई है, इं पाए दे स्वाद थोड़ा ज़्यादा चंगा आता है। हुण असें गुड़ तो खंड की पिघल देना है, इसी घुली लैन देना है इमली दे पानी च, तो जिल्लै गड़क आई जा तो फिर असें पाने इहदे च मसाले। हुण देखो इहदे च मसाले पाई लैने आं अस। इत्थे मैं पा दी आं 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 चम्मच टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1/4 गै टीस्पून सुंड का पाउडर, तो 1/4 चम्मच गै
निक्का चम्मच टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ियां से पानिया दे लाल मिर्चा, तो मैं इतने एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चा पाईया। तो जे तिखा ज़्यादा खाना चाहते हो तो दुईया तेज मिर्चा भी पाई सकते हो। कन्ने असें पाई लेना लून स्वाद अनुसार, मैं इतने एक टीस्पून पाया लून, तो एक चौथाई चम्मच मैं गरम मसाला पाया इतने। उन्हें से इसी चंगी तरह गड़काना है, तो थोड़ा जहा गाढ़ा हो जा अद तक पकाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं असें करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद चटनी जी साड़ी और गाढ़ी हो जानी है, तो इस गल्ला का पूरा ध्यान रखना है। जिल्लै घटी जाता है तो फिर मैं तुसेंगी दसनी हाँ कि तुसें दिखना है। ये देखो हूँ साड़ी चटनी जी है काफ़ी गाढ़ी हो गई है, इसी थोड़ा जहा और गाढ़े होने देना है। हूँ देखो ये प्रॉपर हो गया जिन्ना गाढ़ा सानू चाहिए, ये को ज़्यादा गाढ़ा नहीं असें करना। इसी मैं स्टील की कड़छी करना तुसें दसनी हाँ, वह तुसें आइडिया शैल लगी जाना। हूँ देखो स्टील की कड़छी पर जिन्ना ये लेयर बना दी है, जिन्ना चमका दा है, बस इतना का होना चाहिए। जो गाढ़ा हो गया तो यदि मोटी लेयर बननी, उन्ना गाढ़ा नहीं असें करना। ठंडा हो और गाढ़ा हो जाना, बस चटनी जिल्लै इन्नी गाढ़ी हो जा तो फिर असें गैस करी ओड़ना बंद, तो इसी होने देना ठंडे। तो जिल्लै ठंडा हो जा तो तुम ये खरबूजे के बीज भी पाई सकते हो थोड़े जे, जो दिखने की भी शैल लगते चटनी तो खाने की भी स्वाद लगते है। मेरी चटनी थोड़ी जी ठंडी हो गई है तो मैं इतने एक टीस्पून पा लिया खरबूजे के बीज, तो इसी मिक्स कर लिया, तो इसी मैं और ठंडे होने देना आ जाए फिर बोतली भरना। चटनी जिल्लै बिल्कुल ठंडी हो जा इन्ना आ जाए और गाढ़े होना, तो फ्रिज च रखे दे और गाढ़ी हो जानी है, तो इस गल्ला का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये देखो चटनी हूँ मेरी होगी ठंडी, असें हूँ इसी बोतली च भर लेना, तो कन्नै गाढ़ी हो गई है, बस इन्नी का गाढ़ी सानू चाहिए। ये को गाढ़ी ज़्यादा हो तो फिर वह जमी जानी है। तो कोई भी एयरटाइट बोतल च कांच की बोतल च इसी भरी है तो फ्रिज च तुस 8-9 महीने जिन्हें भी महीने रखो तो खराब नहीं होंगी है। तो देखिए किन्नी आसान ही इमली की खट्टी मिठी चटनी बनाना, तुस भी ट्राई करो। तो चलो जल्दी मिलनी है अपनी किसी और वीडियो च, अद तक जय देव।